श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौ भो नक्तो सह ई तेजस्वे नधीतमस्तो म विषापई ऊ शांति 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 सर्वेभ्यो नम देवणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हाद स्वागत मित्रों कौमुदी संपूर्ण अध्यन की श्रृंखला को हम पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में अभी हमारा अथ अजंत नपुंसक लिंगा ये प्रकरण चल रहा है कक्षा संख्या सेवेंटी नाइन नवसप्तमी तमी मी कक्षा को पढ़ेंगे अभी तक हमने आपको सेवेंटी एट क्लासेस पढ़ा दी हैं सभी क्लास आपके लिए कक्षाएं उपलब्ध है प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया लघु सिद्धांत भाग एक। उस पर क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं आपकी क्रमानुसार खुल जाएगी ठीक है आप अपने समय की अनुकूलता से जब चाहे तब पढ़िएगा ये निशुल्क अभियान कुछ इस महान यज्ञ में देने की आपकी इच्छा हो तो आर्थिक सहयोग भी कर दीजिएगा जिससे ये और निरंतर अच्छी प्रकार से चलता रहे ठीक है बाकी कोई बाध्यता नहीं है आप पर कि आपको देना ही है हाँ समर्थ है तो दीजिएगा नहीं तो आप पढ़िएगा अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा ठीक है अब हम चलते हैं गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक करा दिया था तृतीय दिशो भाषित पुंसकाल ये हमारा हो गया था एवं जात्रादय ये पूरा कंप्लीट करा दिया था अब इस अजंत नपुंसक लिंग में एक सूत्र और शेष है रिकारांत हमारे नपुंसकलिंग हो गए हैं ऊपर तक अब रिकारांतों के बाद में हमें क्या करना है रिकारांत के बाद में शब्द चाहिए तो वस्तुतः क्या होता है जो एकारांत ओकारांत आकारांत औकारांत शब्द होते हैं जब वो नपुंसकलिंग में आ जाते हैं तो वो ओकारांत, अवकारांत रहते ही नहीं तो बदल जाते उसके लिए सूत्र आपको पहले भी बताया था मैंने पहले भी बताया था फिर पढ़ेंगे अब क्रम से अब बता रहे हैं हमारा ये सूत्र का अवतरण दे रहे हैं आचार्य वरदराज महाराज जी अपनी आप पुस्तक खोल लीजिएगा कहते हैं दो सौ पचास मां सूत्र पढ़ेंगे आज दो सौ पचास सूत्र हो चाह एक घे इसको अलग अलग करेंगे तो ये ऐसा है वास्तव में ए चाह और ये है एक और ये है हरस्वादेशे ऐसा शब्द है ठीक है संधि से यहाँ पर क्या है क को घ हो गया है और ये ह हो गया है तो घ्रस्वादेशा बन गया पर अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा ठीक है चलिएगा अब क्या है? एच है। ये एच प्रत्याहार है और एक है ये और हस्वादेशा ये हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया, तो पढ़ाया था कि ह्रस्व पढ़ाया था कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो भी प्रातिपदिक है उसके अंत में जो भी स्वर मन अच्छ है वो यदि दीर्घ है तो वो ह्रस्व हो जाता है ह्रस्व नपुंसके के ये पढ़ाया था ठीक है नपुंसक नपुंसकलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को हरस्व हो जाता है अब नपुंसक लिंग में वर्तमान कोई शब्द एका ओकारांत है एकांत नहीं मिल रहा ओकारांत अकारांत औकारांत मिल रहे हैं तो जब नपुंसकलिंग में जो एक औकारांत शब्द होगा तो उसको ह्रस्व करेंगे तो ओ का ह्रस्व होता ही नहीं है क्या ये जो वर्ण है आपके ओ और आई और ये आउ इनका तो ह्रस्व होता ही नहीं है तो दीर्घ ही होते हैं तो इनका ह्रस्व करेंगे तो क्या होगा ह्रस्व तो ये होते ये होते है। उसके लिए व्यवस्था बता रहे हैं बस इतना भूमिका बन गई अब सूत्र का अर्थ पढ़ते हैं ठीक है फिर समझ में आ जाएगा पूरा कहते हैं चलिए दिख रहा है ये आदिश्यमानशु ह्रस्वेशु ए चाह ए कहते हैं आदिश्यमानशु ह्रस्वेशु आदेश किए जा रहे हुए ह्रस्वों में आदेश्यमान आदेश किए जा रहे ह्रस्वों में कहते हैं एच के स्थान में नहीं? एच के स्थान में आदेश किए जा रहे जो ह्रस्व वर्ण है उनमें से क्या उनमें से एक एव एक ही होते हैं समझ लीजिएगा इसका तात्पर्य ये हुआ आदिश्य माने सु ह्रस्व सु ह्रस्व नपुंस के प्रातिपदिक अस्य ने कहा ह्रस्व होता है बस ये नहीं कहा कि यही ह्रस्व होता है ई होता है या ऊ होता है ऐसा नहीं ह्रस्व कह दिया ह्रस्व वर्ण हमारे पास में कौन कौन से आ ई और ऊ और री और ये है पांच वर्ण है समझ लीजिएगा इस बात को ये पांच वर्ण है और हमें नपुंसक लिंग में ये करना है कहीं पर ए मिलता नहीं है फिर भी हमने ये लिख लिया मान लीजिएगा ए और ओ और ये आई और ये आउ ठीक है ये चार वर्ण है यदि ये नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक के अंत में होंगे तो इनको ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक कस्व से ह्रस्व होने लगेगा अब ह्रस्व कितने वर्ण है ये यदि ऐसा होता ये चार हैं और ये भी चार होते तो, तो क्रम से हो जाता ठीक है क्योंकि पहले को पहला दूसरे को दूसरा तीसरे को तीसरा चौथे को चौथा परंतु यह संख्या कैसी है विषम है विषम है इसलिए यहाँ पर यथासख्य मनुदेश समानम नहीं लगेगा ठीक है और आप स्थानीय अंतरतमा लगाने लगेंगे क्या स्थानीय अंतरतमा लगाने लगेंगे स्थान मिलाने लगेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि इस ए के अंदर ए का स्थान मिलाएंगे तो आ का भी मिलेगा ई का भी मिलेगा क्योंकि ए के अंदर आ भी है ई भी है तो ए के स्थान में रस्सू क्या होने लगेंगे दो होने लगेंगे आ और ई <laughs> इसी प्रकार से ओ के स्थान में करने लगेंगे अंतर लगा करके तो क्या होने लगेगा इसके अंदर आ भी, या उ भी है ठीक है तो आ और उ दोनों होने लगेंगे ऐसे आई और आउ। इसके अंदर भी ऐसा ही मानना पड़ेगा इसके अंदर होगा ही नहीं क्योंकि यहां तो आ और ए से मिलके बनता है अब मान लिया हमने यहाँ पर भी आ अऊ प्राप्त होने लगे दो दो तो व्यवस्था नहीं बनेगी तो इसलिए ये नियम बनाने वाला परिभाषा सूत्र बना दिया कि भाई ये ऐसे स्थान पर एच के स्थान पर कहीं पर जैसे रस्वो नपुंसक के प्रातिपदिक से ह्रस्व विधि मानव हृस्वों का विधान किया जा रहा है कितने इतने हरस्व हो रहा है हरस्व कहने से वहां हरस्व नपुंस के प्राप्त से सेवा हरस्व का आया तो ये सारे हरस्व प्राप्त होते तो कहते हैं भाई ये यथाशंक बन बन नहीं रही बात मामला बिगड़ रहा है तो कहते है, इसलिए नियम बना रहे हैं कि एच के स्थान पर माने ये एच है इनके स्थान पर यदि ह्रस्व विधि ह्रस्व आदेश किए जा रहे हैं तो वो ह्रस्व में से केवल एक ही होगा एक एक प्रत्यार में कौन कौन से आएंगे ई आएगा उ आएगा रि आएगा आएगा ध्यान रख लीजिएगा क्या आएगा ई उ री ली ये आ गया अब अब हम क्या करेंगे एक, हो गया ये। एक ही रस होता है अब यहाँ पर अब यहां पर हम स्थान लगा लेंगे अभी भी ये ये चार हैं और ये भी चार हैं परंतु यहाँ स्थान लगेगा जरूर स्थानांतर तो लगाना पड़ेगा तो स्थान भी तो मिलाना है अब क्या होगा अब यहां पर अब जब ये एक हमें ये तो आ हट गया एक से अब ये चार रह गए ई उ, रील री अब इनके स्थान में इनके स्थान लगाएंगे तो स्थानीय अंतरतमा जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि आदेश जब भी करते हैं तो वहां पर स्थानीय अंतरतमा माने सबसे सदृशतम ही होगा चाहे वे संगान हम लग रहा हो तो भी ठीक है वो जरूर लगेगा तो अब यहाँ पर यदि यह हम इनके स्थान में करेंगे इनमें से तो ये तो हट जाएंगे ल्री, ल्री का स्थान और वो री का स्थान और ल्री का स्थान इनमें से किसी से नहीं मिलता ई और ऊ का स्थान मिलेगा बस ई का स्थान किससे मिल जाएगा ए आई से ऊ का स्थान किससे मिल जाएगा ओ ऊ से क्योंकि इसमें ई है और इसमें ई है और इसमें ओ है और है और इसमें ऊ है तो, okay. तो इसका तात्पर्य ये हो गया सीधा सीधा कि ए और आई के स्थान में ह्रस्व कहा जाएगा तो ई ह्रस्व होगा ई -E होगा दीर्घ नहीं करना आप दीर्घ नहीं करना ऐसे ही ओ और औ के स्थान में ह्रस्व कहा जाएगा तो ओ ह्रस्व होगा ये सूत्र ने नियम कर दिया नियम कर दिया चलिए अब कहते हैं अब उदाहरण दे रहे हैं ये है प्रद्यु शब्द है ये ये ऐसा प्रकृष्टा यस्मिन दिने तद तद दिनम दिनम तद दिनम प्रद्यु अब ये वास्तव में समास हुआ यहां पर बाबरी समास हुआ तो ये क्या था प्र और ये सूथा यहां पर और ये द्यो शब्द है द्यो ठीक है यहां पर हमने द्यो ले लिया अब ये कैसा शब्द है जान रहा? ये ऐसा है ये, ये सु यहां पर बाबरी समास हो गया अनेक मन पदार्थ इस प्रद्यो अब ये किसको कह रहा है दिन को कह रहा है दिन कैसा नपुंसकलिंग अब नपुंसकलिंग होने से ये क्या बन गया प्रद्यो प्रद्यो अब जैसे ये प्रद्यो बना तो हरस्व नपुंस के लगने लगा नपुंसक के लगने लगा तो इसको हरस्व हो क्या होगा ओ को तो घर तो ने नियम कर दिया एक हो होगा एक होगा स्थान अंतरत्तमा के सहयोग से यहां पर एक में क्या हो जाएगा ऊ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्राद्यु बस अब इसके रूप चल जाएंगे वैसे आपके नपुंसक लिंग के हमने रूप चलाए थे वैसे ही इसके चल जाएंगे सुनु आदि के जैसे चलाए थे तो प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी आगे ऐसे चलाते जाइएगा पूरे ठीक है बस ये समझ लेना है ये इसने सूत्र ने ये काम कर दिया अब रुत्र रूप आपको प्रद्युना इत्यादि ये बन गया आपका अब इसके रूप भी दिखा देता हूं मैं आपको जैसे आपने मधु के रूप चलाए थे मधु मधुनी मधुनी मैंने बता दिया था आपको उसी के समान है के ऐसे उसके चलेंगे फिर भी मैं आपको इसके पूरे रूप दिखा देता हूं क्या क्या बनेंगे प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी प्रद्युना प्रद्युभ्याम प्रद्यु प्रद्युने प्रद्युभ्या प्रद्युभ्य प्रद्युन प्रद्युभ्याद्युभ्य प्रद्युन प्रद्युनो प्रद्यून प्रद्युन प्रद्युनो प्रद्युषु हे प्रद्यु हे प्रद्यु हे प्रद्युनी हे प्रद्यूनी बिल्कुल वैसे ही चल गए अब आपको बना लीजिएगा बस मैन रूप से जो यहां पर हस्व करना था वो कर लिया बस बाकी रूप चल जाएंगे ठीक अब इसके बाद में आता है अकारांत शब्द आ जाएगा यही बता देते हैं क्या है प्रारी ऐसा है क्या है प्रारी प्ररी का अर्थ होता है प्रारी कुलम ये ऐसा है परिकुलम कुलम का विशेषण है इसका रा, र, 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 इसका ये इसका प्रकृष्टा राह रई प्रकृष्टार ये बनेगा एक मिनट हाँ विग्रह करेंगे प्रकृष्टा राह क्या प्रकृष्टा राह रई का राह बनता ठीक है राय कुलस्य तत्कुल कुलम तो बावरी समास हो जाएगा यहां पर बावरी समास करेंगे तो इसका क्या बनेगा ये ऐसा बनेगा प्रारई ये रई शब्द वास्तव में रई आई कारांत है प्रारई अब ये कुल को कह रहा है बौरी समास होगा ठीक है अब ये क्या है नपुंसक लिंग में आया तो हरस्व नपुंसक है प्रातपदिक हरस्व होगा नपुंसक लिंग में हरस्व का होगा ए चग्रस्वादेश स्थाने अंतरतमा आई के स्थान में क्या हरस्व होगा इसको ई होगा तो क्या बन जाएगा प्रारी बस प्ररी बन गया प्ररी बन गया ये अब इसके वारी के समान रूप चल जाएंगे क्या वारी के समान तो प्रकृष्ट धन वाला कुल ये हो गया तो अब यहां पर क्या है यहां पर इसके रूप थोड़े अलग चलेंगे वा, कहीं तो वारी के समान परंतु कहते हैं प्ररी प्ररिणी परिणी वारी के समान चलेंगे प्रथमा द्वितीया में भी संबोधन में भी समान चलेंगे ठीक है परंतु कहते हैं कि इसमें हलादी विभक्ति के परे रहते थोड़ा सा डिफरेंट डिफ्रे, रूप होते हैं अलग होते हैं भिन्न होते हैं क्योंकि यहां पर कहते हैं भाई ये प्ररी बनाया तो है प्ररी परंतु इसमें जो रई शब्द है ये रई रई को कोई कहा हुआ कार्य है वो इसको भी हो जाएगा क्योंकि कुत्ते की पूछ कट जाने पर भी कुत्ता को कुत्ता ही कहते कुत्ता को बिल्ली तो नहीं बोल देते कुत्ते की पूछ कट जाए तो तो इसके लिए एक परिभाषा बताते हैं एक देश विकृतम अनन्यवत किसी का भी कोई एक देश नष्ट हो जाए तो वो भिन्न नहीं हो जाता हो अनन अन्य नहीं हो जाता वही रहता है जैसे कुत्ता कुत्ते की पूछ काटने पर कुत्ता ही रहता है और कुत्ता की पूछ है तो भी कुत्ता रहता है ऐसे ही यहां पर रई को री हो गया है रई को री हो गया है तो भी ये रई ही माना जाएगा रई को कहा हुआ कोई कार्य वो इसको भी हो जाएगा रई को का हुआ कार्य क्या था रई को कहा कार्य था रायो हली। रायो हली, हली ये सूत्र पढ़ा दिया है आपको हलादी विभक्ति के परे रहते शब्द को आ आदेश हो जाता है आ तो हो जाता है रायो हली से तो जहां जहां हलादी विभक्ति आएगी इसकी शब्द की जैसे क्या आएगी जैसे भ्याम भिस भ्याम भ्यस, भ्याम ये हो गया और फिर आ जाएगा आपका सुप बहुवचन का आ जाएगा वहां पर रई को ये प्ररी को प्ररा हो जाएगा प्ररा तो क्या बन जाएगा प्रराभ्याम ठीक है आइएगा बता देते हैं ये है देखिएगा ये तो वारी के समान है पूरा प्ररीणी परिणी ठीक है ये भी वारी के समान है पूरा यह भी, भी, भी वारी के समान है ठीक है और यह भी वारी के समान है और यह भी वारी के समान है ठीक है यहां पर यह परिणाम बन जाएगा आपका कोई परेशानी नहीं लुट हो जाएगा इसको और दीर्घ हो जाएगा नाम। ये तो बन गया अब यह हलादी विभक्ति कहाँ पर है भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यास, भ्याम भ्यास, भ्यास, और सुप, सुप। इस हलादी विभक्ति के पर रहते रायो हली से क्या हो गया यहाँ पर आ तो हो गया हली हलादी व्यक्ति पर रहते री री के ई को आ हो गया प्रराभ्याम प्रराभि प्रराभ्याम प्रराभ्या प्रराभ्याम प्रराभ्या प्ररासु बस इतना ही था स्पष्ट हो गया कोई परेशानी नहीं है ठीक है चलिएगा ये हो गया अब इसके बाद में ये हो गया अकारांत शब्द का नपुंसक लिंग में इकारांत बना करके प्ररी दे दिया इसी प्रकार से और भी कोई शब्द होंगे वैसे मिलते नहीं है ये जो है वही बता रहे हैं अब अवकारांत आ रहे हैं औकारांत पे सुनू सुनू नी नी या थोड़ा सा वैसा प्रिंटिंग वैसा हो रहा मिस हो रहा थोड़ा सा तो अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा मैं अभी आ रूप दिखा दूंगा सुनु ना इत्यादि इसमें क्या है ये ऐसा है सुष्टु नऊ तत्पुलम तत सुनु तो ये क्या है समास करते सुष्ठु का कुगती प्राद कुगती प्रादय से समास हो जाएगा क्या कुगति प्रादय से समास हो जाए समास आगे पढ़ेंगे ना कुगति प्रादय समास हो जाएगा तो समास होकर के ये क्या बनेगा ये ये नव शब्द है तो सु शुष्टू के अर्थ में सू के साथ समास होगा तो सूनव ऐसा अब ये किसको कह रहा है कुल को कह रहा है कुलम को कुलम नपुंसक लिंग है तो ये नपुंसक लिंग में आ गया नपुंसक लिंग में आने से क्या हो जाएगा रस्सो नपुंसक के प्राप्तपदिकस्य रस्सो नपुंसक के प्राप्तपदिकस्य से क्या हो गया इसको रस्सोने लग गया अब रस्सु क्या होगा एच अग्र स्वर से आ को रस्सु क्या होगा स्थानंतरत्वम से उ हो जाएगा तो ये बनेगा सुनो अब बिल्कुल वैसे रूप बन जाएंगे इसके ठीक है इसके वैसे रूप बन जाएंगे मधु के समान वैसे रूप चला लीजिएगा सुनो ना इत्यादि ये हो गया ठीक है बस अब इसके रूप में मैं दिखा देता हूं आपको चलिए ये देख लीजिएगा सुनू सुनुनी सुनुनी सुनू सुनुनी सुनूनी सुनुना सुनुभ्याम सुनुभे सुनुने सुनुभ्याम सुनुभ्या सुनुना सुनुभ्याम सुनुभ्या सुनुना सुनोह सुनुनाम नाम सुनुनी सुनो शो हे सुनो हे सुनो सुनो का हे सुनो वाला नहीं है सुनो हे सुनु हे सुनुनी हे ये बन गए ठीक है चलिएगा तो ये हो गया अब ये कहते हैं ये अजंत नपुंसकलिंग भी हमारा समाप्त हो गया अजंत नपुंसकम समाप्तम समाप्त हो गया ठीक है बस अब हमारा हलंत चलेगा हमने अजंत पुल्लिंग भी पढ़ा दिया अजंत स्त्रीलिंग भी पढ़ा दिया और अजंत नपुंसकलिंग भी अब चलेगा हलंत पर अब हलंत पुलिंग हलंत स्त्रीलिंग हलंत नपुंसकलिंग क्रम में आ जाएगा अब सरल बन जाएगा आपको अब क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई क्रम से पढ़ने पर आएंगे चलिएगा तो अब आगे का सूत्र पढ़ेंगे दो सौ इक्यावन में दो सौ पचास सूत्र पढ़ा दिए हमने आपको सेवेंटी नाइन क्लास में सर्वेभ्यो नमः